देखो इस एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल डिश सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अगर डीडी फ्री डिश पर फालतू के चैनल ऐड हो जाते हैं जिनको हम देखना पसंद नहीं करते हैं तो उन चैनल को डिलीट कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डीडी के काफ़ी सारे चैनल भी देखने को मिलते हैं और उसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर डीडी बांग्ला, डीडी और या आसाम, ठीक है, और टेस्ट 520। तो गाइस ये जो फालतू के चैनल है इनको डिलीट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए गाइस हम इन फालतू चैनल को डिलीट करते हैं और उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ओल्ड डिश सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। तो गाइस यहाँ पर सभी फालतू के चैनलों को हम एक बाई एक यानी सीरियल वाइज वन बाई वन करके इन चैनलों को डिलीट करेंगे। आपको एक साथ में पूरा चैनल डिलीट नहीं करना बल्कि जो जो चैनल आपको पसंद नहीं है वो चैनल आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिलीट करने के लिए सबसे पहले मेन्यू बटन दबाना है, उसके बाद में आपको चला जाना प्रोग्राम सेटअप पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर नीचे चला जाना एडिट प्रोग्राम पर। यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे ऊपर देख सकते हैं डिलीट वन प्रोग्राम, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जो जो चैनल आपको डिलीट करना है उस पर आपको ओके दबाना। देखिए यहाँ पर ओके दबाया तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लग गया है। अब इसको फिर से मैं ओके करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके आपको ओके के प्रेस करते रहना, जिस जिस चैनल को आपको डिलीट करना है उसको आपको ओके प्रेस करते रहना, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट होता जाएगा। देखिए गाइस यहाँ पर ये देखिए डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइस किसी बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये जो क्रॉस का चिन्ह आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये क्रॉस वाला चिन्ह, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभार यहाँ पर सभी बॉक्स पर अलग अलग करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर इसको क्रॉस किया है और वापस से मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर ये चैनल डिलीट हो जाता है। लेकिन किसी बॉक्स के अंदर क्या होता है, ये जो क्रॉस वाला चिन्ह है ये हम जब एक बार ओके करते हैं उसके बाद जब फिर से ओके करते हैं तो चैनल डिलीट नहीं होता, ठीक है, वो क्रॉस वाला चिन्ह हट जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको क्रॉस सब चैनल को करना जिन जिन चैनल को आपको डिलीट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया हूँ, अब आपको यहाँ पर जो इस चैनल को डिलीट करना तो इस पर भी आपको ओके करना, इस पर भी आपको ओके करना, तो यहाँ पर सब के अंदर क्रॉस लग जाएगा, ठीक है। फिर बाद में उसको क्या करना, जब सब पर क्रॉस लग जाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना, यहाँ पर मेनू बटन दबाना, बैक होना, जैसे ही बैक होंगे तो आपके डीडी फ्री डिश पर वो चैनल डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप फालतू के चैनल डीडी फ्री डिश से आसानी से हटा पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।